हथियार तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन टोकरियों और तसलों में भर भर कर हथियार आप इस वीडियो में पहली बार देखने जा रहे होंगे। विकास दुबे के मारे जाने के बाद अब पुलिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाशों पर भी शिकंजा कसती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरायम की दुनिया में बड़ा नाम कुख्यात उद्धम सिंह और कुख्यात योगेश बदोड़ा के घर पुलिस ने दबिश दे डाली। कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएससी के साथ पुलिस ने दबिश डाली तो दोनों कुख्यात बदमाशों के यहां से हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। दोनों ही कुख्यातों के बीच वर्चस्व की जंग चली आ रही है और अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। पुलिस ने सबसे पहले मेरठ के सरलपुर थाना इलाके के कुख्यात बदमाश उद्धम सिंह के घर पर दबिश डाली। उद्धम फिलहाल नैनी जेल में बंद है। इसी के साथ ही पुलिस ने उद्धम सिंह के राइट हैंड लीलू करनावाल के घर भी दबिश डाली, जहां से भारी मात्रा में असलहा और कारतूस बरामद किए गए हैं। कुछ ही देर के बाद भदौड़ा गांव में कुख्यात योगेश भदौड़ा के घर भी दबिश डाली गई और वहां से भी हथियारों का जखीरा मिला। योगेश भदौड़ा फिलहाल सिद्धार्थ नगर जेल में बंद है। पुलिस को इनपुट मिला था कि योगेश भदौड़ा और उद्धम सिंह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं और जेल से ही पूरी प्लानिंग भी कर रही हैं। इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने दोनों ही गैंग पर शिकंजा कसा है। भदौड़ा गांव में घुसकर उद्धम सिंह ने कुख्यात योगेश भदौड़ा के भाई प्रमोद भदौड़ की हत्या कर डाली थी। अभी बागपत में हो हिस्ट्री शीटर और शार्प शूटर परमवीर तुगाना की हत्या का आरोपी भी लीलू करनावाल पर ही लगा है और पहले भी उद्धम सिंह के कहने पर कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस इन तीनों बदमाशों की संपत्ति की भी जांच कर रही है। इस मामले में मेरठ के एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि मेरठ जनपद के जो भी माफिया चिन्हित हुए हैं और जो बड़े अपराधी हैं, कुछ कुछ सूचनाएं इनके बारे में लगातार पुलिस को प्राप्त हो रही थी और एक मुठभेड़ पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी को नियुक्ति हुई थी कुछ दिन पूर्व। उसके साथ एक साथी फरार हुआ था, उसकी तलाश में टीमें लगी हुई थी। इसी अनुक्रम में उधम सिंह, योगेश भदौड़ा, लीलू, इन सभी के घरों पर पुलिस टीम, एसपी आरए, एसपी देहात और एसपी क्राइम के नेतृत्व में, साथ ही कई थानों के फोर्स क्षेत्राधिकारी ने दबिश दी। इसमें इनके यहाँ से भारी मात्रा में इलीगल वेपन बरामद हुए हैं। कुल एक राइफल, 3 बंदूक और 14 कंटीमेट पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं, जिसका मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और भी जाँच में पुलिस को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो सर, जो असला मिला है तो क्या इनपुट था पुलिस को, कोई गैंग वॉर या कुछ और ये करना चाह रहे थे वारदात? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके बाद वो चीज़ें हम आप लोग से शेयर करेंगे। अभी तक जैसे मैंने प्रारंभिक तौर पर आपको बताया कि एक अपराधी मारा गया था, उसके साथी फरार हुआ था, जिस पर लगातार पुलिस की टीमें काम कर रही थी और उसी के अनुक्रम में ये दबिश हुई है और लगातार इन अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।